क्या दीपिका पादुकोण जाएंगी जेल? आखिर कब फिनिश होगी एआईबी रोड शो की कंट्रोवर्सी? ऑल इंडिया बकचोद के रोड शो की कंट्रोवर्सी मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एआईबी रोड शो को तो लोगों ने नेशनल शेम तक कह डाला, जिसके चलते बी टाउन के कई सेलेब्स पर पुलिस एफआईआर भी हुई है। आपको बता दें कि एआईबी रोड शो के बाद एक्टर रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और फिल्म मेकर करण जौहर के साथ साथ दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी कंप्लेंट पुणे और मुंबई हाई कोर्ट में दर्ज की गई थी। हाल ही में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मुंबई हाई कोर्ट से टेम्पररी लीव मिल गई है। खबर है कि मंडे को दीपिका अपने लॉयर अमित नायक के साथ मुंबई हाई कोर्ट गई थी, जहां उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि दीपिका उस रोड शो में एज अ ऑडियंस गई थी, ना कि दीपिका ने उस शो में पार्टिसिपेट किया था। दीपिका पादुकोण पर आईपीसी के अंडर सेक्शन 294 और सेक्शन 509 रजिस्टर हुई है। एडवोकेट अमित नायर की दलीलों के बाद जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई ने फिलहाल दीपिका के अरेस्ट ऑर्डर्स को फाइनल हियरिंग यानी 16 मार्च तक के लिए टाल दिया है। वेल, एआईबी रोड शो कॉन्ट्रोवर्सी से अभी तो दीपिका बच गई। अब देखना यह है कि 16 मार्च को कोर्ट के फाइनल डिसीजन में दीपिका जेल जाने से बच पाती हैं या नहीं।